राफेल विमान सौदे में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन दस्तावेजों को अखबार ने छापा है वो रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। इसको लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी बीच राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मोदी जी वाह, जब चोरी पकड़े जाने का डर लगे पूरे दस्तावेज ही चोरी करवा दिए। पहले राफेल में चोरी, अब दस्तावेज की चोरी। अब तो पूरे देश में शोर है कि चौकीदार ही चोर है। वहीं उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटे। तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सुरक्षा की अंतिम गारंटी चौकीदार नहीं थानेदार देता है और जनता थानेदार है। चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, अब थानेदार सजा देगा। राफेल तोड़वा नहीं सके इसलिए स्टंटमैन ने